हेलो एवरीवन, आपका एम के एजुकेशन पॉइंट्स में आपका फिर से स्वागत है। और रेलवे ने एएलपी और टैक्सी वालों को एक और दी एक और सुविधा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि जिन कैंडिडेटों का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो गया है और किसी कारणवश से वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लिए रेलवे ने एक सुविधा दी है जिस पे एक लिंक भी डाल रखी है अपनी साइट पे, जिस पे तुम सीधे ही अपनी उस लिंक पर जाकर अपनी जो कुछ फॉर्मेलिटी है उसको फिलअप करके अपना सीधे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं, और साथ साथ में अपना एएलपी और टेक्नीशियन का एडमिट कार्ड भी जारी अपनी एडमिट कार्ड भी जारी या फिर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स आप बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गुम होने के बावजूद भी अपना एएलपी और टेक्नीशियन का एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो जो मैं स्टेप आप मैं बता रहा हूँ मैं जा रहा हूँ आपका। यहाँ पे मैंने आरआरबी की सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ की जो साइट है उसको ओपन किया है, और जैसे ही आपको यह दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट जो 6 डेट को डाल रखा है 7/6/8/2018 को ये डाल रखा है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी चेक क्लिक किया। जिन बंदों की रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी अपन भूल चुके हो या किसी कारणवश आपको आपको याद नहीं है, तो वो यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी चेक कर सकते हैं, और साथ साथ में क्या है अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस स्टेट की हो उस स्टेट में क्या आपको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या सारे स्टेट दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, दमन, दीप, झारखंड, जो स्टेट आप जिससे बिलोंग करते हो वो स्टेट आप चूज कर लो। उसके बाद में कुल मैं ये राजस्थान कर लिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फिलअप ये क्वेरी आपको दी यहाँ पे कि रिट्रेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे इसके अंदर आपके, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ DDMM5/MM फॉर्मेट में डालनी है, उसके बाद ईमेल डालना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ अपना आधार नंबर जो आपने दे रखा था फॉर्म में वो डालना है, ठीक है ना। और उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है आपका, ये आपके सिक्योरिटी कोड है वो कैप्चर यहाँ पर करना है, उसके बाद ये सबमिट कर दबा दोगे तो उस वहाँ पर आपको क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी और जनरेट हो जाएगी। इसके साथ साथ में तुम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आईडी जनरेट होगी तो उससे तुम अपना फॉर्म जो तुम्हारा एएलपी और टैक्सीन का जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जिन बंदों की या जिन दोस्तों की रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी गुम हो चुकी है और भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अनेबल हो रहे हैं, तो उन सबको ये सूचना पहुंचा दें जिससे कि वे लोग परेशान ना हों और अपनी एग्जाम दे सकें। तो रेलवे ने ये भी अपनी स्वागत दी अपनी टेक्नीशियन और एयरपोर्ट वालों के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू लाइक दिस मच लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड मोर देन मोर शेयर योर ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स देन इफ दिस इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू यू एनी यूजफुल प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।